वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मेरा नाम ऋषभ है और मैं हनोई वियतनाम से योगा टीचर आया हूँ। अभी अभी वेस्ट लेक पर आप ये देख सकते हैं, ये है यहाँ की वेस्ट लेक। मेरा घर यहीं से अभी 10 मिनट की दूरी पे है। तो अभी मेरी क्लास ख़त्म हुई थी वहाँ सामने बिल्डिंग में, तो आप देख रहे हैं ना जो लाल लाल लाइटें जल रही, तो वहाँ पे मेरी अभी क्लास ख़त्म हुई थी। तो सोचा चलो आज आपको मैं बताता हूँ कि जो है वियतनाम में आपको योगा टीचिंग क्यों करनी चाहिए, मतलब वो क्या रीज़न है कि आप वियतनाम में आए एज ए योगा टीचर बनने। तो नंबर एक बात है कि जैसे हम इंडिया में योगा टीचिंग करते हैं ना, तो हमें क्लास से खुद ढूंढनी पड़ती है योगा टीचर को। जैसे कि मैं पहले चंडीगढ़ में था, तो चंडीगढ़ में मैंने क्लास से खुद ढूंढी, खुद प्राइवेट क्लास से ढूंढी, लोगों के घरों में गया, पंपलेट डलवाए, अखबारों में इश्तहार दिए, अलग अलग जगह पोस्टर चिपकाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है और आपको क्लास से खुद ढूंढनी नहीं पड़ती, ठीक है। आपको जो है कंपनी अलग अलग सेंटर में भेजती है और आप जो है जाकर वहाँ क्लास ले सकते हैं सीधी। एक घंटे की क्लास होती है 60 मिनट की, ठीक है। मतलब धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, क्लास ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है कंपनी एड्रेस दे देगी, क्लास बता देगी कि कौन सी क्लास है, क्या आपको स्टाइल अपनाना है, जैसे अष्टांगा हो गया या आपका जो है विन्यासा हो गया या कोई प्राणायाम की क्लास होगी, कोई वर्कशॉप होगी, इस तरह की क्लासेस यहाँ पे होती हैं, ठीक है। इंडिया वाला योगा नहीं होता, वो जो आप पतंजलि वाला योगा होता है ना जो बाबा रामदेव कराते हैं, वो वाला योगा नहीं होता, ठीक है। नंबर एक ये हो गया कि भाई आपको योगा क्लास करी कराई मिलेगी, मतलब आपको जो है बस आके यहाँ पर योगा कराना, ढूंढना कुछ नहीं है, ठीक है। नंबर दो सैलरी मुझसे कई बार लोग पूछते हैं भैया आप कितना कमाते हो या कितनी सैलरी मिलती है। भाई देखो आज की डेट में अभी फ़िलहाल जब कोविड के बाद जो सिचुएशन है उसमें सैलरी हमारी सबकी डाउन हुई है, क्योंकि कोविड की वजह से जो है मेंबर योगा सेंटरों में आ नहीं रहे, और जब योगा सेंटर में मेंबर नहीं आ रहे तो क्लासें कैसे होंगी। तो उसके लिए जो है अगर आप जो है नॉर्मल काम चलता है, मतलब लगातार कोई कोविड नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सेंटर डेली खुल रहे, मेंबर खूब आ रहे, तो आप मान के चलो कि इंडिया के हिसाब से हम योगा टीचर 1 लाख तक, 1 लाख से 1,20,000 तक हम कमा लेते हैं पूरी मेहनत करके। अगर हमारी क्लास डेली हो, 3-4 क्लास से डेली हो, कोई छुट्टी ना हो हफ्ते में, तो 1.5 लाख के करीब आप कमा सकते हो हनोई वियतनाम में। कमाए हैं, मैंने भी कमाए हैं और टीचर भी कमाते हैं, लेकिन वे हमने कमाए 2-3 साल पहले जब तक कोविड नहीं था, क्योंकि काम अच्छा चल रहा था, क्लासें खूब थी। लेकिन आज के टाइम में भी अभी जैसे कोविड है, फिर भी हम जो हैं 50-60-70 हज़ार 80 हज़ार के करीब में पहुंच जाते हैं, इतना काम कर लेते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि आप इसलिए वियतनाम में आ सकते हैं। नंबर 3 है जॉब, यहाँ पर बहुत है, ठीक है ना। ढूंढने वाला चाहिए कि कैसे आपको मिलेगी, आपके कैसे कॉन्टैक्ट बनेंगे अच्छे, तो वो बहुत ज़रूरी है कि योगा जॉब्स की कमी नहीं है। आप जो है यहाँ पे आके अपना योगा सेंटर भी खोल सकते हैं किसी मेंबर के थ्रू। आप याद रखें अपना योगा सेंटर डायरेक्ट वहाँ से पैसे इन्वेस्ट करके नहीं खोल सकते, आपको यहाँ कोई मेंबर होगा जिसके साथ पार्टनरशिप में आप योगा सेंटर अपना डाल सकते हैं, अपने नाम से डाल सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं वियतनाम में अगर आप योगा टीचिंग करना चाहते हैं। जॉब की कभी यहाँ पे कोई कमी नहीं होती, ठीक है। आपको थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, आपके पास जो है डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो आप जो है योगा टीचिंग यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मैं पिछले 5 साल से यहीं हूँ, मैं 2018 में घर गया था, 2018 के बाद मैं घर ही नहीं गया क्योंकि बीच में कोविड आ गया था, कोविड में भी काम मेरा चल रहा था ऑनलाइन। तो काम की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। ये सबसे ख़ास बात है वियतनाम में, काम की कोई कमी नहीं है, काम हमेशा रहता है यहाँ पर। आप करने वाला चाहिए जो अच्छे काम, एक होता है ना दो प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक सात्विक और एक तामसिक, ठीक है। सात्विक प्रवृत्ति के लोग जो अपने काम पे ध्यान देते हैं, टाइम पे क्लास जाते हैं, टाइम पे जो है योगा करते हैं, क्लासें अच्छी लेते हैं, मेंबर का ध्यान रखते हैं, अपने स्टूडेंट का ध्यान रखते हैं। एक तामसिक प्रवृत्ति के लोग जिनका दिमाग और गलत कामों में ही रहता है, जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं
वे यहाँ कुछ समय तक ही टिक पाते हैं, फिर वे इंडिया चले जाते हैं, क्योंकि फिर आपको पता ही है तामसिक प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं। जो योगा पढ़े हैं, जो योगा वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो समझ गए, यानी एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक देवता प्रवृत्ति के लोग होते हैं। देवता प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वे आखिर तक टिके रहते हैं। हवा बहुत बढ़िया चल रही, मज़ा आ रहा। और जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वे जो है जल्दी निकल जाते हैं। तो अगर आप देवता प्रवृत्ति के लोग हैं तो वियतनाम में आपका स्वागत है। एक बात हो रही है, यहाँ पे हर कोई यहाँ पे योगा करता है, मतलब हर घर की लेडीज़ यहाँ पर योगा करती है। तो योगा की जॉब की भी कमी नहीं है, योगा क्लासों की भी कमी नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे टीचर हैं तो आप ऑनलाइन टीच कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, यहाँ पर भी आपको होम क्लासेस मिल सकती हैं, VIP क्लासेस मिल सकती हैं। तो इसलिए वियतनाम बेस्ट है योगा के लिए। कोई यहाँ पे छुट्टी नहीं होती, संडे से लेके आप हफ्ते के 7 दिन योगा करा सकते हैं, ठीक है। और रही बात पैसे, पैसे जो है टाइम पे मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं। अगर आप जो है, बताया ना मैंने, देवता प्रवृत्ति के लोग हैं तो लंबे टाइम तक यहाँ टिक सकते हैं, मेहनत करके अपना नाम रोशन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ घर की ओर, क्लास मेरी ख़त्म होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलता हूँ नई, एक और नई वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।